Hey guys, welcome back to a new vlog. Hope you are having a great Sunday. I am having a pump this morning. बहुत सारा positive feeling आ रहा है मेरे को because I got few work done. थोड़ा मिलने मिला हमें ना कि तरह ऐसा नहीं मिले तो चलो. And also I am wearing new clothes जैसे कि तरह और ज़्यादा हाइप में हूँ. And आज का दिन is going to be pretty good, pretty productive. थोड़ा सा shopping करना है, थोड़ा सा sorting करना है कपड़ों का, कपड़ों का. And इफ़ यू आर न्यू हेयर, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. इवन इफ यू आप हम लोग को बहुत बार देख चुके हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. इस वीडियो को लाइक करो और सबके साथ शेयर करो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस डे. सो आई एम ऑल डॉल्ड अप. दिस इज माई ओटीडी. दिस चिकनकारी कुर्ती है, द टोन जीन्स एंड आई एम कम्प्लीटली रेडी. अभी हम लोग जाने वाले हैं हिल रोड, लेकिन उसके पहले कहीं पे तो वील हॉल्ट टू हैव आर लंच एंड इट इज़ टू बी डिसाइडेड. एक्चुअली हम लोग का ऐसा डिसाइड हो रहा था कि हम लोग माओ में जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत बार माओ जा चुके हैं एंड आई एम थिंकिंग कि वी शुड एक्सप्लोर समथिंग. एंड तो अभी विशाल ने वो मेरे पे डाल दिया है कि कहाँ जाना है. सो लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए. एंड उसके बाद वील गो शॉपिंग अच्छे से, क्योंकि मुझे डेली वेयर के लिए कपड़े चाहिए थे. कपड़े तो है लेकिन समथिंग टू जस्ट ग्रैब एंड पुट ऑन एंड जस्ट वॉक अवे. मेरे कपड़े ऐसे हैं सब कि उनको प्रेस करने का ज़रूरत पड़ता है एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो आई विल बी गोइंग टू हिल रोड टुडे एंड दैट्स इट. चलो साथ में. ओके सो नाउ वी आर अबाउट टू हेड एट दादर. यहाँ पर विशाल मुझे मिलने वाला है एंड आई वॉन्ट टू कैप्चर हिज रिएक्शन ऑन माई टूडेज आउटफिट विच इज़ लाइक दिस. एंड मेनली क्यों मुझे ये कैप्चर करना है, बिकॉज विशाल को पता नहीं है कि मैंने ये टॉप लिया है एंड आई वॉन्ट टू सी कि वो क्या रिएक्ट करेगा. दैट्स इट. अभी दादर आने वाला है तो विल चेक आउट ऑन यू. कशी दिसते? अरे थोड़ी गुस्सा कर. तो अभी हम बांद्रा उतर चुके हैं और योगिता ने बताया होगा कि कहाँ पे जा रहे हैं. हिल रोड पे जा रहे हैं. तो पहले तो अभी भूख लगी है बहुत सारी हमें, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था. अभी योगिता ने क्या खाया था मालूम नहीं. तो हम फर्स्ट टाइम बांद्रा में, मतलब अभी कभी ट्राई नहीं किया है कौन सा रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा मिलता है यहाँ पे. तो देखते हैं पहला कहाँ पे, तो जाके पहला पेट पूजा करते हैं और उसके बाद हिल रोड के लिए निकलते हैं. सो आफ्टर वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बांद्रा, आगे थोड़ा सा ही चलते ही वी फाउंड दिस लकी रेस्टोरेंट एंड टू आर सरप्राइज यहाँ का एम्बियंस आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. एंड वी ऑर्डर्ड दिस काली मिर्ची चिकन कबाब फॉर आर स्टार्टर्स, दिस प्रॉन्स बिरयानी विच आई तो फील वॉज गुड, बट आफ्टर विशाल हैविंग इज उसने कहा कि स्पाइसी कम है इसलिए उसको सिर्फ ठीक ठाक ही लगी. एंड टू सम अप एवरीथिंग वी ऑर्डर दिस डिलीशियस फालूदा, जिसका टेस्ट मुझे स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया बिकॉज पूरा रूह अफजा नीचे था एंड मैं बहुत ट्राई कर रही थी उसको मिक्स करने को. सो वी आर डन विद आवर फूड. हम लोग ने बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिया है, चला भी नहीं जा रहा है. एंड वो रेस्टोरेंट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था. इट इज़ नेम है उसका लकी रेस्टोरेंट. बांद्रा स्टेशन से हिल रोड के रास्ते पे अगर निकलोगे तो आपको वो रेस्टोरेंट मिल जाएगा सीधा सीधा. एंड हम लोग को पहले ऐसा लग रहा था हाँ छोटा सा एक रेस्टोरेंट वगैरह रहेगा, बट इट इज़ अ ह्यूज प्लेस एंड खाना अच्छा था, स्पाइस लेवल इतना नहीं था खाने का. और प्राइस के हिसाब से मुझे देखो हाँ. मैं इतना मतलब अच्छा इतना भी अच्छा नहीं बोल सकता हूँ. ठीक है कबाब अच्छा था, बिरयानी थोड़ा नॉर्मल ओके ओके और ये बहुत मीठा था यार. एक्चुअली रूह अफजा उसमें ज़्यादा था इसलिए उसको मीठा लगा रहेगा, लेकिन ओवरऑल इट वॉज गुड. हाँ विशाल ने ये पॉइंट अच्छा बोला, प्राइसिंग के हिसाब से इट वॉज नॉट टॉप नॉच, बट द इंटीरियर वॉज गुड, द एमिनिटीज़ वर गुड एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा वाइब था उस जगह का, विच इज़ वाई आई लाइक इट मोर एंड समथिंग एल्स. बस इट्स नाइस. सो हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ ऑल द वीडियो. हम लोग पहुँचे हिल रोड एंड
ब्रांड, यहाँ का कलेक्शन, बैग, छोटे छोटे नेकलेसेस आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्रिटी है ये सारे बैग्स। एंड बहुत अलग अलग चीज़ें हमें देखने मिली, जैसे कि ये हेडबैंड्स वाली आंटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइट कलेक्शंस था हेयर बैंड्स का, कपड़ों का, जूतों का। फुटवेयर्स वर फिनोमिनल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो फुटवेयर्स पहनते हैं उनके पिक्चर्स में वो सब आपको देखने मिलेंगे। हमने भी थोड़ी बहुत यहाँ पर शॉपिंग की, थोड़ी मतलब थोड़ी ही थी, बहुत सारा ढूंढ के मुझे ये ओवरसाइज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड टी शर्ट पसंद आया। उसके साथ मैंने ये प्लेन मिकी माउस वाला वाइट टी शर्ट लिया जो ऑब्वियसली ओवरसाइज्ड है। और थोड़ा घूमने पर हमें बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस दिखे जो बहुत ज़्यादा ही ब्रांडेड लगते हैं, लेकिन यू नो। तो अभी आ चुके हैं हम महालक्ष्मी और मैं भी अभी जा रहा हूँ घर पे। तो इतना ही था आज के लिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और कमेंट करके बताओ आपका संडे कैसा गया। इस वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट। आता था डिबाई। हाय जी गाइस।